आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन बड़वानी जिले की अंजड़ नगर परिषद में आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां करीब 400 पट्टा धारकों को पट्टे वितरित किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान बाला बच्चन ने कहा कि ऋण माफी को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही है, मात्र अल्प समय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन पत्र में शामिल 84 वचनों को पूरा किया है। अभी वर्तमान के अंदर जो मध्य प्रदेश शासन ने जो ऋण माफी योजना शुरू की है उसको लेकर के अभी तक कई किसानों को प्रमाण पत्र तो आपने दे दिए, लेकिन अभी तक ऋण माफी नहीं हुई। उसको लेकर के किसान जब सोसाइटियों में जाते हैं तो उनको जो है ये कहा जाता है कि अब आपको ब्याज लगेगा, और अब वो जो है न खाद ले पा रहे और न बीज ले पा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर किसान पशुपक्ष की स्थिति में है कि वो करे क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम किसान मिलते हैं। देखिए, अभी मालूम था सबको कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है ये, मेरी स्थिति इस सरकार में आप लोग जानते हो, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता तो मेरे पास आता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सही और वाजिब जो किसान हैं उनको ऐसी तकलीफ़ और दिक्कतें नहीं हो रही है। हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी है, भाजपा के जो लोग हैं, वो इस तरह का उकसाने का काम कर रहे हैं, और कहीं अगर आती भी है कोई बात तो तत्काल हम उसी समय वहाँ के मैनेजर और इससे संबंधित अधिकारियों से बात करके हम उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो, ये दुनिया के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा 21 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर देना, ये बड़ी बात है, जिसको कोई अप्रिशिएट करता है। ये भाजपा इसको विचार करे, उन्हें यही जहाँ पर ये जो मेरे साथ बाइट ले रहे हो यहीं पर 2008 में जो नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार में गृह मंत्री 5 साल जो रहे, श्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात को अंजड़ में बोली थी 2008 के विधानसभा के चुनाव में कि हम मध्य प्रदेश के किसानों का 50,000 कर्जा माफ़ करेंगे। किसका माफ़ किया है हमने? देखो, विधानसभा के चुनाव में नवंबर दिसंबर 2018 के विधानसभा के मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के समय में ये बात बोली थी, और हमने मात्र 73 दिन की सरकार के कार्यकाल में 83 वचन पूरे किए, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग अभी भी इस बात के लिए तैयार है कि हमने जो 60,000 करोड़ कर्जा माफ़ करना था 54 लाख किसानों का, बचे हुए किसानों का।